everyone, welcome to our YouTube channel Ohm Labs. Friends, today in this video we will determine the resistivity of a given wire by plotting potential difference versus current. Means by using Ohm's law we will determine the resistivity of a given wire. Let's see what things we require for this experiment. Friends, इस experiment को perform करने के लिए हमें यहाँ पर जरूरत है battery eliminator की, current meter की, voltmeter की, rheostat की. Here we are using one way key. एंड हमें एक यहाँ स्क्रू गॉज की ज़रूरत है और साथ ही में हमें उस वायर की नीड है जिसका हमने जो है रेजिस्टिविटी जो है उसे डिटरमिन करना है. ये जो वायर है, ये कंडक्टर है, ये किसी भी मटेरियल का हो सकता है और इसका लेंथ आप कितना ले रहे हैं ये भी आप ही पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर जो कंडक्टर जो जिस वायर का आप रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना चाहते हैं उसका लेंथ जो है वो क्या है. इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उसका जो लेंथ है वो कितना ले रहे हैं. तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा इस एक्सपेरिमेंट का जो एम है दैट इज टू डिटरमिन द रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज रेजिस्टेंस. तो आप मेरे सामने यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर जो ये कंडक्टर है, यहाँ पर ये जो वायर है, हर एक कंडक्टर के अंदर यहाँ पर हमारे पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. जब भी हम उस कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड, ड्यू टू विच देयर विल बी कोलिजन बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम प्रेजेंट इन द कंडक्टर, विच द कोलिजन बिटवीन एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैपन्स विच रिफ्लेक्ट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट इज रेजिस्टेंस. एंड एज वी नो दैट according to Ohm's law V is directly proportional to I, which gives us equation V is equal to I into R, where R is the proportionality constant and it does not depend upon the voltage and current, it depends upon the length and area of cross section. Mean resistance जो है वो depend करता है कि उस conductor का length कितना है और उसका area of cross section जो है वो कितना है. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो R की वैल्यू आती है दैट इज V ओवर I, राइट. रेजिस्टेंस इज डज नॉट डिपेंड अपॉन द वोल्टेज एंड करंट, सो वी विल कम अक्रॉस अ इक्वेशन दैट गिव्स R इज इक्वल टू रो इनटू L ओवर A, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, L इज द लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर. एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन we will derive this equation. It gives us rho is equal to R into A over L and R is the resistance of that wire, right? Whatever the conductor we are using उसका resistance कितना है वो है R, यहाँ पर capital R. इस wire का जो है area of cross section कितना है that will be A and the length हमें यहाँ पर इस वायर का जो लेंथ है उसे स्केल से मेजर करना है एंड दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल एल एंड एरिया ऑफ द वायर विल बी गिवन बाय पाई आर स्क्वायर. एंड इस इक्वेशन की हेल्प से यहाँ पर हम जो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं. रेजिस्टिविटी ऑल्सो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर और इसके जो SI यूनिट्स होंगे ये ओम मीटर, राइट. यहाँ पर जो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन है वो है रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल दैट डिस्क्राइब्स हाउ स्ट्रांगली इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मींस किसी भी कंडक्टर का, किसी भी वायर का जो रेजिस्टिविटी है वो है कि वो कितना स्ट्रांगली है जो उस इलेक्ट्रिक वेन एवर वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट वो कितना स्ट्रांगली उस इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो रेजिस्ट करती है. रेजिस्ट करने का मतलब है उसे रोकती है, उसमें रुकावट लाती है. रेजिस्टिविटी स्ट्रांगली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल वी आर यूजिंग एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर वी यूज, राइट. क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि हमें यहाँ पर डिटर्मिन करना है इस वायर का जो रेजिस्टिविटी है उसे फाइंड आउट करना है और उसके लिए हमें यहाँ सबसे पहले जो यहाँ पर उस गिवन वायर का जो है रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है. एंड बाय यूजिंग ओम्स लॉ यहाँ पर हम इस वायर का, यहाँ पर जो मैंने इस
यहाँ पर जो वाई यूज कर रखी है उसका यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप मेरे सामने एक अरेंजमेंट देख सकते हैं, ये ओम्स लॉ का जो है वो अरेंजमेंट है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर बैटरी इल्यूमिनेटर को कनेक्ट किया है करंट मीटर के पॉजिटिव के साथ, और करंट मीटर का नेगेटिव कनेक्ट है यहाँ पर इस गिवन वायर के एक एंड के साथ, और वायर का एक एंड है यहाँ पर जो कनेक्ट है वो रियोस्टेट के एक एंड के साथ, और यहाँ पर जो रियोस्टेट का दूसरा एंड है वो यहाँ पर कनेक्ट है वन वे की के साथ, और जो वन वे की का अदर एंड है दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ द बैटरी एलिमिनेटर। और क्योंकि हमें यहाँ पर सबसे पहले इस वायर का रेजिस्टेंस डिटर्मिन करना है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ इस वायर के अक्रॉस यहाँ पर उसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, ताकि हम इस वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो हम यहाँ पर उसकी हेल्प से यहाँ पर उसे रीड कर सके। तो ये इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने टाइम कन्वीनियंट के लिए यहाँ पर मैंने जो इसकी रीडिंग्स और कैलकुलेशंस है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट यहाँ पर करके उसकी जो है सारी कैलकुलेशंस यहाँ पर कर दी हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो हम वोल्ट मीटर यूज कर रहे हैं या करंट मीटर जो यूज कर रहे हैं, इन दोनों का जो लीस्ट काउंट है वो क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो वोल्ट मीटर यूज किया है उसका जो रेंज है दैट इज 3 वोल्ट, एंड जो करंट मीटर का रेंज है दैट इज 1 एम्पियर। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इस वोल्ट मीटर का जो लीस्ट काउंट है वो क्या है। 0 से लेके 0.5 वोल्ट के अंदर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर जो 10 डिविजन्स है, इसलिए यहाँ पर अगर हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी 0.05 वोल्ट। मींस इसका जो एक डिवीजन होगा, अगर इसका नीडल 1 डिवीजन पे है तो उसका जो रीडिंग होगा दैट विल बी 0.05 वोल्ट। ठीक है, इसका जो लीस्ट काउंट होगा दैट विल बी 0.05 वोल्ट। इसी तरह से यहाँ पर इस करंट मीटर का जो रेंज है दैट इज 1 एम्पियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से लेके 0.2 तक हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स हैं दैट इज 10, राइट। तो इसलिए इसका जो लीस्ट काउंट होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाय 10, एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.02 एम्पियर। मीन्स इसका जो एक डिविजन होगा दैट विल बी इक्वल टू 0.02 एम्पियर, राइट। एटलीस्ट ये जो है कम से कम ये जो है ये मीटर जो है 0.02 एम्पियर जो है वो एटलीस्ट रीड कर सकता है, राइट। ये तो थे इन दोनों वोल्ट मीटर और करंट मीटर का लीस्ट काउंट। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे सारे कनेक्शंस यहाँ पर कंप्लीट हैं। अब हमें यहाँ पर वोल्ट मीटर और करंट मीटर के कॉरस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर जो रीडिंग्स हैं वो लेनी है, और इस ऑब्जर्वेशन के अंदर हमें उसे नोट डाउन करके हमें इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है, राइट। हमें यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो अगर हमारी जो वोल्ट मीटर के अंदर जो नीडल है अगर वो 2 सेकेंड डिवीजन के ऊपर है तो हमें सेकेंड डिवीजन को मैंने यहाँ पर उसके लीस्ट काउंट से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं उसका जो वोल्टेज है वो मैंने यहाँ पर 0.1 वोल्ट आया है। सिमिलरली यहाँ पर उसी वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर जो करंट मीटर में जो रीडिंग है जो नीडल है वो 4th डिवीजन के ऊपर यहाँ पर लाई कर रही है। उसी तरह से मैंने 4th डिवीजन को उसके लीस्ट काउंट से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके उस करंट का जो रीडिंग है दैट इज 0.08 एम्पियर है वो यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दी है। इसी तरह से हमें 1 बाय 1 इस रियोस्टेट की जो वैल्यू है उसे हमें चेंज करते जाना है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंट वैल्यूज लेनी है वोल्ट मीटर और करंट मीटर के अंदर। रियोस्टेट की वैल्यूज को यहाँ पर मैंने चेंज करते हुए यहाँ पर वोल्टेज और जो करंट की वैल्यूज यहाँ पर जो नोट डाउन कर लिया है, और उसकी हेल्प से यहाँ पर मैंने R=V/I के फॉर्मूले की हेल्प से यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर इस गिवन वायर का जो रेजिस्टेंस आया है दैट इज 1.25 ओम्स, तो यहाँ उसे मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस वायर का जो हम यहाँ पर जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं वायर यूज कर रहे हैं उसका जो रेजिस्टेंस आया है दैट इज 1.25 ओम। तो उसके बाद आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर स्मॉल आर की जो है वो वैल्यू चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ये जो वायर यूज कर रहे हैं अब हमें इसका जो है रेडियस फाइंड आउट करना है, और रेडियस हमें फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर एक जरूरत है स्क्रू गॉज की।
इस वायर का रेडियस किस तरह से फाइंड आउट करना है, हमें उसके लिए यहाँ पर ज़रूरत है एक स्क्रू गॉज की, और स्क्रू गॉज को किस तरह से यूज़ करते हैं उसका जो वीडियो है वो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल रखा है। अगर आप उसका जो वीडियो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से हमें किसी भी वायर का जो है बाय यूजिंग स्क्रू गॉज हम उसका जो रेडियस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मेन एम है That is to determine the resistivity of the given wire. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने using Ohm's law हमने इस वायर का जो resistance है वो यहाँ पर हमने note down कर लिया था, that is 1.25 ohm. और यहाँ पर जो हम ये जो वायर यूज कर रहे हैं जो इसका total length है that is 100 centimeter. यहाँ पर हमारे पास इसका जो diameter आया था that is 0.55 mm, right? तो हमें यहाँ पर अगर मैं इसे सेंटीमीटर्स में नोट डाउन करती हूँ तो हमारे पास ये जो डायामीटर है ऑफ दिस वायर आया है दैट इज 0.055 सेंटीमीटर, राइट। तो अब हमें यहाँ पर जो है स्मॉल आर की ज़रूरत है, हमें रेडियस की ज़रूरत है, और हमें मुझे यहाँ पर इसे हाफ करना है। तो हमारा यहाँ पर जो इसे हाफ करके जो हमारे पास जो वैल्यू आई है दैट इज 0.028 सेंटीमीटर्स। अब हमें वन बाय वन ये सारी जो वैल्यूज हैं हमें इस फॉर्मूला के अंदर पुट करना है और हमारे पास यहाँ पे जो इस वायर का जो रेजिस्टिविटी है उसका जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। एंड इन सेंटीमीटर्स हमारे पास जो आर का वैल्यू आया है दैट इज 0.028 सेंटीमीटर्स, एंड इन मीटर्स हमारे पास यहाँ पर जो आर का वैल्यू है दैट इज 0.0028 मीटर्स। यहाँ पर क्योंकि हमने यहाँ पर लेंथ कंसिडर करी थी 100 सेंटीमीटर एंड दैट विल बी इक्वल टू 1 मीटर। अब हमें यहाँ पर वन बाय वन इन सभी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला के अंदर यहाँ पर पुट करना है और हमें रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन वायर का जो वैल्यू है वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी कैलकुलेशंस जो वो कर रखी हैं, यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू फिल करी है, यहाँ पर पाई की वैल्यू, और यहाँ पर हमने जो यहाँ आर की वैल्यू है दैट इज 0.00028 होल स्क्वायर एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय 1 मीन्स 1 मीटर, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है दैट इज 0.00000031 ohm meter, और हम यहाँ पर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पे तो लिखेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी ऑफ वायर है दैट इज 31 × 10⁻²⁸ ohm meter। हमारे पास यहाँ पर जो वायर दिया गया था जो उसका रेजिस्टिविटी आया है दैट इज 31 × 10⁻²⁸ ohm meter। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं किसी भी वायर का जो रेजिस्टिविटी होता है वो सिर्फ उसका हमने क्या उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, किस मटेरियल को हमने यहाँ पर कंसिडर किया है, और उस टाइम उस कंडक्टर का उस वायर का क्या टेम्परेचर है, रेजिस्टिविटी टोटली डिपेंड करती है इन दो फैक्टर्स के ऊपर। अगर आपकी इन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी पे हमें संपर्क कर सकते हैं। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल ओम लैब्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।